स्वागत है दोस्तों द सीक्रेट फॉर लाइफ चैनल में। आज हम ऐसे डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके HDTV को स्मार्ट टीवी बनाएगा और जो बेहतरीन डिवाइस है। नेट पे अगर सर्च करेंगे तो ये बेहतरीन डिवाइस में से एक है। आज हम एक स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर की बात कर रहे हैं जो कम प्राइस में आपके HDTV को स्मार्ट टीवी बनाएगा। चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो को अनबॉक्सिंग चालू करते हैं उस डिवाइस की। अगर आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग ऑफ अमेजॉन फायर टीवी स्टिक्स विथ वॉइस कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर है। अगर आप देखोगे तो अमेजॉन साइट पे अगर जाओगे तो ये अराउंड 15,000 लोगों ने अराउंड इसको रिव्यू दिया है, उससे ज्यादा लोगों ने खरीदा है और 4+ का इसका रेटिंग है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसके रिव्यू मैंने सब कुछ पढ़े हैं और ये सब एनालिसिस करने के बाद इसको मैंने खरीदी किया है। आज इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग आप देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग हम चालू करते हैं। बेसिकली ये इस पैक इसमें आता है अमेजोन की तरफ से। ये अच्छा पैकिंग है दोस्तों। अभी हम इसको अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। ये बॉक्स हमने ओपन किया है बाजू का, ये स्ट्रिप काट के। अभी अब देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, ये अमेजोन का फायर टीवी स्टिक्स। अभी दोस्तों इसमें एक और सीक्रेट है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वो जो सीक्रेट है, जो वीडियो के अंत में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो वीडियो सीक्रेट्स हैं। ये कम प्राइस में कैसे मिला है मुझे ये मैं आपको बताने जाऊंगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। पहले तो इसका जो है पैकिंग बहुत ही अच्छा है और आप अगर इस बॉक्स को देखेंगे तो ये है अमेजॉन फायर टीवी स्टिक। इस पे क्या क्या ऐप चलता है ये दिखाएं। यहाँ पे हॉटस्टार चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, वूट चलता है, देन सोनी लाइव, अमेजॉन प्राइम और ये बाकी सब यहाँ पे ऐप ये सपोर्ट करता है। बेसिकली ये 3,000 से ज़्यादा ऐप सपोर्ट करता है, आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी थोड़ा सा बॉक्स को टर्न अराउंड करते हैं और थोड़ा इसका ये कवर निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों अगर बॉक्स को थोड़ा टर्न करेंगे तो पता चलेगा इसका MRP यहाँ पे दिया है। MRP जो है 3,999 रुपीज़ है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर दिया गया है, मैन्युफैक्चरर मंथ दिया गया है, इम्पोर्ट मंथ दिया गया है और इसमें कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है और मेल आईडी दिया गया है और इस पे क्या क्या कंटेंट आता है बेसिकली ये इस पे दिया गया है। थोड़ा इस बॉक्स को अगर घुमाएंगे हम तो ये इसका फ्रंट एंड है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे क्या क्या ऐप सपोर्ट करते हैं। अभी थोड़ा इसको घुमाएंगे और तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। ये जैसे हमने बोला वॉइस सर्च पे काम करता है, डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, देन ये वाईफाई है तो वाईफाई का ये दिया गया है, देन इसका HD जो बोला है तो वो पिक्सल दिया है 1080 एंड जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, अमेजॉन फायर टीवी स्टिक आता है जो कि सेकेंड जनरेशन, उसमें प्रोसेसर है, वॉइस रिमोट कंट्रोल आता है, दो बैटरी आती है, पावर अडेप्टर आता है, USB केबल आता है एंड HDMI केबल आता है। ये दोस्तों अभी हम इसको देखेंगे और क्या क्या है इसमें। दोस्तों इसकी प्रीक्विजाइट जो है वो दी गई है, इसको हाई स्पीड इंटरनेट विद वाईफाई चाहिए। एटलीस्ट आपका जो स्पीड है वो 4 Mbps के अबाउट होना चाहिए अगर आपको अच्छी वीडियो देखना है और विदाउट एनी ये देखनी, तो आपको वीडियो का स्पीड जो है, इंटरनेट का स्पीड जो है 4 Mbps होना चाहिए और टीवी को HDMI पोर्ट होना चाहिए। दो ही इसकी प्रीरिक्विजिट है। दोस्तों चलिए इसको आगे हम देखते हैं। ये बॉक्स को थोड़ा टर्न करके देखा तो इसमें दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम अनबॉक्सिंग करके इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके ऊपर जो प्लास्टिक की स्ट्रिप है वो हम निकाल दे रहे हैं और देखते हैं कि अंदर इसमें क्या है। अनबॉक्सिंग देखेंगे तो इसका पैकिंग बहुत ही यूनिक आया है, यूनिक पैकिंग है। ये देखिए पैकिंग भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है ये यहाँ से ओपन करेंगे। चार्जर, ओके। इसका चार्ज करने के लिए टीवी टीवी के साथ अगर लगाएंगे तो, और इसका है, देन बैटरीज दी गई है, दो बैटरी, देन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये है HDMI पोर्ट, HDMI डिवाइस जिसकी हम बात करें जो HDMI पोर्ट के अंदर जाएगा। ये भी है इसके अंदर। देन अभी हम देखते जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका स्मार्ट रिमोट जो वॉइस कंट्रोल के साथ आता है, वॉइस सर्च के साथ आता है। ये भी है
और हम देखने जाएंगे और तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर तो ये मैनुअल आता है। तो इसके अंदर कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या फंक्शनलिटी है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या क्या इसके अंदर और कुछ मिसिंग है क्या, देखते हैं। ये ओके, ये गई दी गई है केबल USB टू माइक्रो USB, ये कनेक्ट करने के लिए। और भी दोस्तों कुछ तो है इसमें, तो ये ओके हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप HDMI पोर्ट है आपका टीवी पे और आपको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, पीछे स्पेस नहीं है, तो इसको कनेक्ट करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये HDMI टू HDMI पोर्ट दिया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके ऊपर का प्लास्टिक का वेपर जो था वो हमने हटा दिया। सो अभी आप देखेंगे इसको, तो ये अमेजन फायर टीवी स्टिक है। सो ये यहाँ पे USB का पावर है, माइक्रो USB, और ये इसके साथ चार्जर आया है। सो अभी हम इसको कनेक्ट अगर करते हैं इसको, तो कनेक्ट करके तो ये बेसिकली पावर देने के लिए है, और ये जो है हमें यहाँ पे उसको लगाना है। नॉर्मल जैसे चार्जिंग हम करते हैं मोबाइल की, तो वैसे ही ये हम टीवी को लगा सकते हैं। अब इसके बाद ये जो डिवाइस हम बात कर रहे थे, अगर आपका पीछे HDMI पोर्ट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है या वहाँ पे जगह नहीं है, तो बस इसको जो है इसमें इंसर्ट कर दीजिए और ये जो है आपके HDMI पोर्ट में लगा दीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको स्पेस में नीचे मिल जाएगा, तो ये थोड़ा एडजस्टेबल हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं है तो ये नीचे भी थोड़ा एडजस्टेबल हो सकता है। सो बेसिकली इसका यूज़ ये है। ओके, सो ये हो गया। अभी हम बात करते हैं रिमोट की। सो रिमोट में मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक का रैपर उस पर निकाल दिया गया है। सो इस पर 2 AAA बैटरीज लगती है, तो मैं बैटरी इसमें डाल के दिखाऊंगा क्या क्या है, कैसे डालना है बैटरी, और इसके ऊपर क्या क्या फंक्शन है हम बात करते हैं। दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइक्रोफोन दिया गया है, ये वॉइस सर्च के लिए। ये बटन दबा के हम वॉइस सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये बीच वाला जो बटन है वो सिलेक्ट का बटन है, ये नेविगेशन बटन है, ये बैक के लिए बटन है, ये होम आइकॉन के लिए, ये मेनू के लिए है, ये प्ले पॉज, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सो ये टोटली यहाँ पे बटन्स है। अभी हम देखेंगे इसको सेल कैसे लगाना है। बेसिकली सेल लगाने के लिए हमें इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट आते हैं। तो ऑलरेडी अमेजोन फायर टीवी का 2 सेल आते हैं, जो कि AAA सेल है जिसकी हमने बात की है, वो हम इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये फिट हो गया, इसके बाद हम इसको लगा देंगे तो ये फिट हो जाएगा। सो ये देखिए दोस्तों, HDMI पोर्ट में ये इंसर्ट कर दिया है मैंने। सो डायरेक्टली HDMI पोर्ट पे ये ओपन हुआ है। अगर नहीं है तो आप अपने रिमोट के साथ इसको सेटिंग में जाके HDMI पोर्ट को कर सकते हैं। सो रिमोट पे मेनू में जाके आप वो ऑप्शन कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट ये फायर टीवी स्टिक कनेक्ट हो गया है। सो इसका वेलकम स्क्रीन है ये, तो सर्चिंग फॉर रिमोट है। सो इसको हम अभी पेयर करने जा रहे हैं रिमोट के साथ। तो रिमोट पे जो होम आइकॉन वाला बटन है वो आपको प्रेस करना है, और उसके बाद ये पेयरिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कौन सा बटन दबाना है, सो मैंने वो बटन दबा दिया है। फिर इसके बाद ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का सेलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कंटिन्यू विदाउट पावर अडेप्टर। सो ये एक्चुअली मैंने USB को कनेक्ट किया है, अगर आप देखेंगे, सो इसलिए वो दे रहा है। मैंने USB डायरेक्टली दिया है, तो मैंने ओके किया। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क कर रहा है। अभी मेरे पास में वाईफाई है, तो वाईफाई मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी इसके अंदर मैं पासवर्ड डालूंगा और इसको कनेक्ट करूंगा। वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो इसमें वाईफाई हमने डिटेक्ट कर लिया। इसके बाद इसने ऑटो अपडेट कर लिया। मेरा अमेजोन का एक अकाउंट था, वो उसने ले लिया है। ओके, अभी मैं इसको पासवर्ड है, मैं इसको यस करने वाला हूँ। ओके, सो पैरेंटल कंट्रोल अगर आपको चाहिए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपको कंट्रोल करना है क्या उनको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो वो आप पैरेंटल कंट्रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं नो कर रहा हूँ।
और फिर अभी ये नेटवर्क स्पीड वगैरह सब सेटिंग अप योर डिवाइस लेट्स टेक अ क्विक टूर ऑफ योर न्यू फायर टीवी स्टिक नाउ यू कैन वॉच योर फेवरेट शोज एंड मूवीज जस्ट बाय टॉकिंग टू योर रिमोट Simply press and hold the microphone button and ask for a title, actor, director or category like this, Life of Pi. How about a show? Bosch. The remote makes it easy to browse through episodes and recommendations. Just use the outer ring to navigate and press the center button to make your selection. You can also use your smartphone as a remote. Download the free Fire TV Remote app from the App Store. Many of your favorite apps are available for Fire TV Stick. Fire TV gets even better with Amazon Prime. Your membership unlocks thousands of movies and shows in addition to guaranteed free one-day and two-day delivery across India's largest selection of items. Enjoy your new Fire TV Stick from Amazon. सो ये दोस्तों इंट्रोडक्टिव वीडियो था, इसका मतलब अमेजोन का हमारा चालू हो गया। इसके बाद लोडिंग दिखा रहा है हमें। सो ये अपडेट लोडिंग के बाद ये आया है अमेजोन प्राइम वीडियो, साइन अप फॉर प्राइम वीडियो। सो मैंने इसको कंटिन्यू क्लिक किया है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐप्स के बारे में बोल रहा है। सो ये एक हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्री डिफाइंड ऐप है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है बाय डिफॉल्ट ऐप के साथ अगर हम जाना चाहते हैं तो नो थैंक्स करना है। अगर आप कुछ ऐप इंस्टॉल करना है तो ये गेट स्टार्टेड करना है। इसके बाद आपको ये दिखाएगा कौन से ऐप आपको इंस्टॉल करना है। सपोज मैं अगर हॉटस्टार देखना चाहता हूँ तो मैं हॉटस्टार पे क्लिक करता हूँ और मूवी चैनल कौन सा है, मुझे जियो सिनेमा देखना है, नेक्स्ट किया मैंने। फायरफॉक्स ब्राउज़र, अभी अगर यहाँ पे यूट्यूब का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो फायरफॉक्स का एक ब्राउज़र है तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और प्रेस मैंने ये बटन दबा दिया कंटिन्यू करने के लिए। सो ये मैंने देखो हॉटस्टार, जियो सिनेमा एंड फायरफॉक्स। सो यूट्यूब का अगर देखना है तो यूट्यूब का डायरेक्टली यहाँ से ओपन नहीं होता, तो यूट्यूब एक्सेस करने के लिए आपको फायरफॉक्स इंस्टॉल करना पड़ता है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन फिनिश। सो ये डेटा मॉनिटरिंग के लिए दिखा रहा है, डेटा मॉनिटर करना है कि नहीं, सेटअप लेटर में कर रहा हूँ। सो अभी ये इंस्टॉलेशन ये इंस्टॉलेशन हो गया सबका और ये अभी बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, लोडिंग हो रहा है क्या क्या है उसमें। सो ये सेटअप कंप्लीट हो गया। सो इसके अंदर आप अगर देखोगे आप तो टीवी मूवीज़ के अंदर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है मूवीज़ है, मूवीज़ देख सकते हैं क्या क्या मूवीज़ है। टीवी शोज़ है तो टीवी शोज़ के लिए नीचे आ रहा है टीवी शोज़। ऐप हमने जो इंस्टॉल किए हैं सो ऐप के बारे में ये दिखा रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ऐप है यहाँ पे, सो ऐप के बारे दिखा रहा है। और लास्ट है सेटिंग, सेटिंग में ये दिखा रहा है नोटिफिकेशन, नेटवर्क का सर्टिफिकेशन, डिस्प्ले एंड साउंड का, एप्लीकेशंस एंड कंट्रोलर्स, ब्लूटूथ डिवाइस। सो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, नीचे नीचे आ रहा है। फायरफॉक्स भी इंस्टॉल हो गया। अभी कंट्रोलर और ब्लूटूथ से आगे प्रेफरेंस करके है, डिवाइस है और एक्सेसिबिलिटी। सो ये सभी आप नेविगेशन की के हिसाब से देख सकते हैं। माई अकाउंट, बाय डिफॉल्ट मैंने जो अकाउंट लॉक किया है वो यहाँ पे आएगा, जैसे मेरा अकाउंट है। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाके मैं साइन आउट करके कर सकता हूँ। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है सेटिंग में। सो अभी मैं ऐप्स में जाता हूँ और फिर हम यूट्यूब ओपन करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें गेम्स का भी ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें गेम दिखा रहा है, ये गेम्स कौन से हैं। सो गेम्स के अंदर ये इतने सारे गेम्स हैं तो ये गेम भी हम इसको खेल सकते हैं। सो अभी एप्लीकेशन के लिए हम ओपन करते हैं एप्लीकेशंस। सो ये कंट्रोल के साथ मैं एप्लीकेशन में गया, मुझे एप्लीकेशंस ओपन करने हैं। सो मैं देख रहा हूँ कि एप्लीकेशंस में कौन से हैं। सो ये यहाँ पे मैनेज इंस्टॉल एप्लीकेशन, ये सब आपको दिखाएगा कि कौन से एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल है। सो ये सब एप्लीकेशन जैसे फायरफॉक्स हमने इंस्टॉल किया था, हॉटस्टार हमने किया था, जियो सिनेमा और बाय डिफॉल्ट ये
एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है। सो अभी फायरफॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ, लॉन्च एप्लीकेशन। यहाँ से सब कर सकते हैं हम, अनइंस्टॉल करना है अगर कोई, आप कैशे अगर क्लियर करना है, क्लियर डाटा, तो ये सब सेटिंग यहाँ पे दिया है। सो मैं यहाँ पे लॉन्च अप करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको यूट्यूब चालू करना है तो ये टर्बो मोड मैंने और किया ओपन किया है, ये टर्बो मोड है, टर्बो मोड ऑन है, इसका मतलब फास्टर रहेगा ब्राउज़र। तो ये मैंने यूट्यूब को ऑन कर दिया। सो यूट्यूब का लोगो आ गया। सो यूट्यूब, हम बोलते हैं कि यूट्यूब नहीं चलता है अमेज़न पे, सो ये चलता है दोस्तों अमेज़न पे, सिर्फ हमें फायरफॉक्स या अलग ब्राउज़र होता है सो ये करना पड़ता है। तो अभी ये बोल रहा है साइन इन के लिए, सो साइन इन भी कर सकते हैं हम या नॉट नो भी कर सकते हैं। तो मैं अगर साइन इन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक कोड देता है जो आपको मोबाइल से अनलॉक करना पड़ता है। सो ये मोबाइल डिवाइस में अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे youtube.com एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सो अभी मैं मोबाइल में जाके इसको एक्टिवेट करता हूँ और आपको दिखाता, एक्टिवेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ आगे कैसे जाना है। सो मोबाइल में सिर्फ आपको ये साइट ओपन करनी है, या आपके पास कुछ लैपटॉप होगा तो ओपन करके ये नीचे वाला कोड डालना है उसके अंदर और एक कनेक्ट करना है। सो ये दोस्तों, ये मैंने मोबाइल से मैंने डाला है जो वहाँ पे आया था youtube.com एंड एक्टिवेट। सो इसको मैं भी नेक्स्ट अगर ये करता हूँ, नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, ये मुझे अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ द सीक्रेट फॉर लाइफ जो है हमारा। उसके बाद ये परमिशंस चूज अकाउंट करेगा, चूज अकाउंट करने के बाद ये परमिशन के लिए बोलेगा। सो ये बेसिक परमिशन मांग रहा है, मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, अलाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड डिवाइस। सो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। सो ये सेटअप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सो ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने बोला वो एक्टिवेट करने के बाद, कोड डालने के बाद कनेक्ट हो गया है चैनल। तो यूट्यूब हम यहाँ से देख सकते हैं। सो यूट्यूब का चैनल हमने कॉन्फिगर भी कर लिया, ये सब हमारा चैनल है द सीक्रेट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब वीडियोज़ है उसके, यहाँ पे जाएंगे तो चैनल का है द सीक्रेट फॉर लाइफ। अकाउंट पे हमने लॉगिन किया है, नीचे सेटिंग सब है और यहाँ पे वीडियोज़ है। तो वीडियोज़ में जाके नेविगेशन यूज़ करके माय वीडियोज़, तो यहाँ पे कोई भी आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये अगर हमने एक वीडियो प्ले कर दिया। स्वागत है दोस्तों द सीक्रेट फॉर लाइफ चैनल में, आप सभी व्यूअर को और सब्सक्राइबर को द सीक्रेट फॉर लाइफ चैनल की तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो दोस्तों देखिए, आपने देख लिया कि YouTube यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, बाकी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे वैसे ही कॉन्फ़िगर करने हैं हमें। सो YouTube का मैंने दिखा दिया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी होम पे जाके थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे जाके अगर होम पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें सीधा होम पे लेके जाएगा। सो होम पे अगर कुछ देखना है हमें, जैसे हमने बात किया अभी हॉटस्टार पे अगर कुछ देखना है हमें, तो नेविगेशन से जब हॉटस्टार सेलेक्ट करना है और हॉटस्टार ओपन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आपको जो भी शोज हैं ये सब आप देख सकते हैं। सो ये वॉइस कमांड का भी हमने यूज़ करके इसका, जैसे कि मैंने अभी बोला है अमिताभ बच्चन मूवी, सो ये यहाँ पे दिखाएगा, तो ये सर्च करके दिखाएगा। सो ये एक अच्छा फैसिलिटी भी है वॉइस सर्च, यहाँ पे हम सर्च बाय मूवीज़ कर सकते हैं, सर्च बाय डायरेक्टर नेम, हीरोज़ नेम, सो बहुत सारे सर्च क्राइटेरिया है यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एंड इससे हम सर्च कर सकते हैं। तो ये भी सर्चिंग का भी एक अच्छा है। सो वॉइस सर्च रिमोट है तो टाइप नहीं करना पड़ता आपको, तो ये भी फैसिलिटी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस बटन को क्लिक करके, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ भी तो यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बोला है तो ये आ गया यहाँ पे, तो जस्ट आ गया है, उसको क्लिक करना है हम, ठीक है। सो हम रिलेटेड, हम साथ साथ हैं। सो ये वॉइस सर्च का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है।
सो इसको कीबोर्ड से यूज़ करना है तो ये भी अच्छा है। और दोस्तों इसमें और एक स्मार्ट फीचर है, जैसे अगर ये रिमोट का यूज़ नहीं करना है तो हम प्ले स्टोर पे जाके अमेजोन का जो रिमोट का एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और मोबाइल से भी हम रिमोट यूज़ कर सकते हैं। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। थैंक्स 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 दोस्तों, थैंक्स लॉट। सो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस की। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला है कि इसका प्राइस जो है 3,999 रुपीज़ है। अभी बात करते हैं कि ये कम प्राइस में कैसे मिला। सो एक्चुअली ये डिस्काउंट जब आता है, अमेजोन के डिस्काउंट आजकल आने लगे हैं, फ्रिक्वेंटली भी आते हैं। सो उस टाइम पे इसका प्राइस जो होता है 1,000 डिस्काउंटेड रहता है। नॉर्मली इसका प्राइस 3,999 रहता है, ऑफर में उसको 2,999 और उसके ऊपर 10% कोई कार्ड डिस्काउंट। सो इस टाइम मैंने जो डिस्काउंट लिया SBI कार्ड पे शॉपिंग किया था, तो उसके लिए उसका अलग से 300 का डिस्काउंट मिला। तो अराउंड मुझे 2,600 के आसपास मिला। सो ऑलमोस्ट 1,400 रुपये का जो प्राइस है वो डिफरेंस मिला, और 1,400 रुपये मेरे बचे। सो ऐसे आप डिस्काउंट में ऑफर में इसको ले सकते हैं अपकमिंग सेल में। जैसे अभी दिसंबर में आएगा सेल अमेजोन का, तो उस टाइम पे आप इसको ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग दिखा दिया है, यूट्यूब का कैसे कॉन्फ़िगर करना दिखा दिया, एप्लीकेशंस कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे उसको अनइंस्टॉल करना है ये सब दिखा दिया है, सेटिंग्स दिखा दी है। सो ये सब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर लव एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।